प्रधानमंत्री मोदी दो दिनों से गुजरात दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने गुजरात को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 10:30 बजे गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच स्वदेशी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेडेड वर्जन को हरी झंडी दिखाई है। ये देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इससे गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच 500 किलोमीटर का सफर 5 घंटे 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। उद्घाटन के बाद 30 सितंबर से लोग इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन इसलिए खास है, ये ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी तेज, एक्सीलरेशन 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 52 सेकंड में पकड़ लेती है। यह एक्सीलरेशन में 3 सेकंड आगे है। बुलेट ट्रेन 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पाने के लिए 55 सेकंड लगाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकती है। इसमें शताब्दी ट्रेन जैसी ट्रेवल क्लास हैं जो पैसेंजर को बेहतर सर्विस देती हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में रोटेटिंग कुर्सियां और बायो वैक्यूम शौचालय भी हैं। वहीं सीट्स को पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट किया गया है। नई वंदे भारत में 1128 सीटें हैं जिनमें 2 कोच में एग्जीक्यूटिव चेयर कार हैं। नई वंदे भारत में कवच सिस्टम काम करेगा जिसमें एक पटरी पर 2 ट्रेन आते ही ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कोच में 2 इमरजेंसी विंडो दी गई हैं। हर कोच में 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आग की कंडीशन में अलार्म का सिस्टम काम करेगा। वंदे भारत ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम पर काम करती है। सिस्टम लगभग हर दूसरे कोच के नीचे लगे होते हैं। ड्राइवर कैबिन में हाईटेक फीचर्स हैं जहां ड्राइवर को सारी जानकारी डिजिटल मोड पर मिलती रहती हैं। ड्राइवर यात्री से और यात्री ड्राइवर से टॉक बैक डिवाइस से बात कर सकते हैं। 2 रूट पर यह वंदे भारत ट्रेन चलती है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। इस साल की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खजुराहो से वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की घोषणा की थी। जल्द ये ट्रेनें पूरे देश में चलेंगी।